अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, हमें अच्छा लगता है, सही कर, बहुत अच्छा। Hello everyone, welcome to my channel My Mind is Art. So in this video, in this vlog, I am going to share and talk about an NGO which is Pooja of Humanity. So what Pooja of Humanity does is basically, sorry for the exposure, I don't know, I can't get it under control. Okay, so talking about Pooja of Humanity, it is an NGO which has been serving people and the needy ones from the past 35 days. They come and go around all over the East Delhi district or the East district of Delhi, and they go on scooties and they travel up to 10 kilometers and they distribute food and the utility items like soaps or handmade cloth masks, face masks, or they have even distributed stationery and toys, and of course they distributed thank you cards to all the military personnel. So they are doing an amazing job, guys, and so I decided why not let's share what all they do in the form of a blog. I wanted my audience to know and I wanted the whole world to know that there are people who like to serve the nation, and I wanted to popularize this NGO because of their good work and the hard work. So I am making this vlog just so that you guys can know what they are doing, and also I will include the review of a few people who they have been serving. And one more thing, guys, they have been doing this for the past 35 days. They did it in the first phase of the lockdown. In the second phase, like today is the last day of the second phase of lockdown, today is 3rd May, so it has been 35 days since they are doing this, and they are doing an amazing job. I am making this video just so that more and more people are associated with them, just so that they receive a huge support from all over the world, just so that a lot of people are encouraged to join them and to become a part of their NGO, of their good cause, noble cause. So yeah. Hello everyone, my name is Vishal Chishodia. Main Geeta Komal Gupta. मैं सौरभ जैन। माय नेम इज अंकुश सिंगर। ज्यादा जिसे मानता हूँ जिम्मेवार वो अविनाश और केशव को मानता हूँ। तो आज पूरा स्टार्टिंग से मैंने इनके साथ किया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, मन को बड़ी सुकून मिला कि जरूरतमंद को खाना मिल रहा है, भूखे कौन प्यासे को पानी, नर सेवा नारायण सेवा, सबसे बड़ी चीज मैंने आज पूरे ढंग से देखा है और बड़ा अच्छा लगा। बहुत नीडी लोग जो हैं और जो गरीब हो, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ खाना नहीं मिल पा रहा, उनके सहायता कर पा रहे हैं। मैक्सिमम ये होता है कि कई लोग सोचते रह जाते हैं और सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, बट इन दोनों की ड्राइव से हम लोगों को सपोर्ट मिला और हम एक साथ मिलकर के समाज सेवा में आज लगे हुए। आप कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? हमें तो कुछ दिन हो गया, जैसे तुमने खाने पता चला रहा, हमको यहाँ खाना पड़ती है तो जल्दी से आते हैं। तो आ रहा है जी, हम 10-12 दिन हो गए। मैं यहाँ पे काफी दिन से आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। आप क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या बांटते हैं? तो कभी पुलाव मिल जाते, कभी राजमा चावल मिलते, कभी सब्जी पूरी मिल जाती, कभी मिलती है दाल चावल, कभी मिलती है जो छोला चावल, कभी रोटी मिलती है, कल भी मिला साग ने केला, फिर जो पूरी मिला, फिर जो सब्जी मिला, पूरी मिलती है, सब्जी मिलती है, पानी मिलता है, हैंड वॉश मिलता है, साबुन मिलता है, केले मिलते हैं, बिस्कुट और केरा, बरगद और थोड़ी, और पहले हमें 1 मीटर की दूरी बना कर रखना होता है, सैनिटाइजर करवाते हैं, तो कभी हमें चावल, कभी आलू की आलू पूड़ी मिलते हैं, और बहुत दिन से मिल रहा है। हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, अराउंड 100 पीपल कम हेयर एवरी डे, इंक्लूडिंग लेडीज जेंट्स एंड दीज लिटिल कब्स। सो उसके बाद सबसे पहले जो काम होता है यहाँ पे, सबको 1 आर्म डिस्टेंस लेकर खड़ा किया जाता है ताकि ऑब्वियसली सेफ्टी प्रोसीजर्स मेंटेन रहे, एंड देन एज यू हर्ड सबसे पहले इन सबको सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड देन कॉन्सिक्यूटिवली हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाने में इस दिन था पालक पनीर, चावल एंड आटे का हलवा, एंड ऑफ कोर्स पानी था, एंड बच्चों के लिए 2-2 बनानास यानी कि 2 केले थे। इन ड्रम्स में छाछ है और ठंडा ठंडा पानी भी था, सब ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टेस्टी टेस्टी आटे का हलवा, टॉमी का फूड, वेयर इज इट, ये डॉगीज को भी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी है यहाँ पे। डॉग
डॉगीज का भी फूड है यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा, ये सभी वॉलंटियर्स अपनी अपनी स्कूटीज पर आते हैं सामान लोड करके, एंड दे टेक ऑल द रिस्क एंड दे टेक द प्रिकॉशंस एज वेल। दे वेयर अ शील्ड मास्क, दे हैव ग्लव्स ऑन एंड ऑल्सो they have their face masks on, and as you can see they are distributing sanitizers now, and also as you can hear this guy out, he is also giving them instructions how to use the sanitizer. kaise unhe humne pure apne hands mein, apne fingers ke beech mein, thumb ke beech mein, clearly and properly apne palms ke beech mein bhi sanitizer use karna hota hai. So guys, they are doing a really great job, and यहाँ पर सबको sanitizer देते हैं, सबको instruct करते हैं कि आपको 1 arm distance पर रहना है, सबको ये भी बताते हैं कि अपना face and hands cover रखने हैं. एक वो है क्या कहते हैं, एक स्टेप आउट इन्होंने लिया जो सबको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं. मैं अभी थोड़े दिनों से ही इस ग्रुप से ज्वाइन हुआ हूँ. मेरे को, मैं इनको रोज़ देखता था डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. तो मेरी भी अपने अंदर से वो भी कि मैं इनको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, तो मेरे से जो बन पाया मैंने किया. क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? हम पालक चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. पालक पनीर एंड राइस. ओके, यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? हलवा. नाइस. पानी केशव तुम्हारे पास है? आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पे? पानी 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 पानी. शो मी. ओके, इधर भी है. आप लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पे? हम छोटे बच्चों के लिए बनाना केले हैं, और बाकी सारा सामान आपने देख लिया है. ओके, सो एज यू कैन सी नाउ डिस्ट्रीब्यूशन अब स्टार्ट हो गया है, एंड वॉलंटियर्स स्ट्रिक्टली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एज वेल. वो लोग किसी को भी हाथ में खाना नहीं पकड़ा रहे हैं, वो एकदम प्रॉपरली न्यूज़पेपर बिछाकर उसके ऊपर खाना उनके लिए रखते हैं, सो दैट दे कैन पिक देयर फूड देमसेल्व्स. एंड सिमिलरली बच्चों के साथ भी यही होता है. टू बनानाज आज थे, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही रख दिया है. आप लोग और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसमें? सोप्स हैं, लाइफ बॉय. लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नहाए धोए अच्छे से, हैंड्स को क्लीन करें, वॉश करें दिन में कई कई बार. तो पहले ये लोग मैकडी से भी CSR के थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके हैं. दे डिस्ट्रीब्यूटेड बर्गर्स एंड मैकपफ टू ऑल दीज लिटिल कब्स, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग टू सी द स्माइल ऑन दोज लिटिल फेसेस. दोस्तों, मैं पूजा ऑफ ह्यूमैनिटी से पिछले 35 दिनों से जुड़ा हूँ, जिसमें कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य सभी यंगस्टर्स हैं जो मिलके आपस में कर रहे हैं. इसमें का जो भी सहयोग कर रहे हैं, ये अपने अपने निजी फंडों से, निजी फंड से या निजी अपना कोलैबोरेट करके ये काम कर रहे हैं और खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं, पशु जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए भी खाना प्रोवाइड हो रहा है. साथ में CRPF जनाब जवानों के लिए साबुन है, सैनिटाइज़र है, छाछ है, ये फेस शील्ड आप देख रहे हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. और जो कि ये सब किया है, ये सभी यंगस्टर्स, हम सब जितने भी हैं, सारे यंगस्टर, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. अपना टाइम दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपना पसीना दे रहे हैं, खून पसीना एक करके ये सभी जितने भी लोग हैं, अपना पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे ये अपना योगदान दे रहे हैं खाना बांटने में, और सोशल डिस्टेंसिंग का साथ करते. ये हमारी पूरी टीम है, हर तरीके का, हर किसी का अपना सहयोग है और अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अंकुर भैया ने बताया कि हमने शील्ड्स हो गया, ये और ये सब हो गया, इन सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. फूड डॉग फूड हो गया और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया. हमें कोई अपने कुछ शो ऑफ या किसी चीज़ के लिए नहीं, हम खुद ही इंस्पायर हुए, डेडिकेटेड हुए, और एक जैसे कि मन की संतुष्टि के लिए हमने ये सब काम किया है. अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा कर रहे हो. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ यू गाइस डोंट इवन आस्क फॉर डोनेशंस. नो नो नो, वी डोंट. काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और अच्छा काम कर रहे हैं. ओके, एज यू सॉ यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है. एवरीवन इज वाइंडिंग अप. इट वाज सक्सेसफुल एंड टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके आगे ये लोग और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. सो यार, टुडे वाज द लास्ट डे एंड दे सक्सेसफुली डिड इट, एंड दे डिड इट फॉर 35 डेज. सो इसके आगे अब नहीं करेंगे, एज आई सेड. एंड यार, यहाँ पे सब कुछ वाइंड अप हो चुका है. अब मैं आपको जो NGO के फाउंडर हैं, विच इज मिस्टर केशव क्वात्रा एंड मिस अविनाश सिंघल, उनसे आपका आई लेट यू गाइज मीट देम नाउ. हेलो, मेरा नाम अविनाश सिंघल है. मैं पूजा ऑफ ह्यूमैनिटी NGO का को फाउंडर और ट्रेजरर बात कर रहा हूँ. हम लोग लास्ट 35 डेज से फूड के पैकेट्स, पानी के पाउचेस, डॉग फूड, पुलिस के जवान, CRPF, दिल्ली सिविल डिफेंस, होमगार्ड के लिए, उन सब के लिए छाछ के पैकेट, खाना, पानी की बॉटल, सब कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर लास्ट 35 डेज. और
कोरोना के टाइम पर जो ये महामारी का सबको ये झेलना पड़ रहा है, उसमें हम पूरी जनता के साथ, गरीब जनता के साथ, जो जरूरतमंद है, चाहे वो ड्राई राशन के लिए भी क्यों ना हो, हम सब फैसिलिटीज अपने एंड से प्रोवाइड करा रहे हैं एनजीओ के बिहाफ पे। ये जो आप इस वक्त कैमरे पे देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने हर स्टेप पे हमारा साथ दिया है, एनजीओ का साथ दिया है, और हम लोग इन सबके बहुत 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 आभारी हैं। बहुत बहुत इन सबको थैंक यू कि इन्होंने 35 डेज से कॉन्टिन्यूसली अपना बिना कोई अपना तबीयत का ध्यान रखे हुए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारा पूरा साथ दिया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ द टाइम दे आर गिविंग टू अस, एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच। मेरा नाम केशव पात्रा है, मैं पूजा ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ। हम जैसे कि अविनाश जी ने बताया कि हम पिछले 35 दिनों से खाना बांट रहे हैं एंड टिकट पुलिस टिकट्स के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैं इस पे और एडवांस करना चाहूँगा, इसमें सिर्फ यही नहीं, खाना और पुलिस टिकट्स के लिए नहीं, हम डॉग फूड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें लास्ट 35 डेज से रोड साइड डॉग्स के लिए डॉग फूड, दूध और ब्रेड का हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हमें जो जैसे जैसे नीड आती रही, जैसे हमें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शेल्टर होम था 1000 पीपल का, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे ऐसे रह रहे थे कि बहुत मायूस से थे, उनको हमने एंटरटेन करने के लिए गेम्स का प्रबंध कराया शुरुआत में। फिर उसके बाद जैसे उनको नीड लगी, उनको मास्क दिलवाए, गवर्नमेंट की तरफ से मास्क नहीं आ रहे थे, मास्क दिलवाए। उसके बाद जैसे आज पानी की नीड थी, उनको पानी का इंतजाम करवाया। जैसे जैसे जो भी नीड थी, हमने 35 डेज में लग के काम करा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा पूरी टीम का। मैं चाहता हूँ कि सारे एक बार ताली बजा के थैंक यू करें अपने आपको। पूजा ऑफ ह्यूमैनिटी की टीम बहुत ही दिन रात मेहनत करके, दिन रात अपने दिमाग माइंड्स लगा के, नए नए आइडियाज लगा के हमारे सामने लोगों की हेल्प के लिए आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही लगे रहेंगे, हम आगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, पर जैसे जैसे जो भी आवश्यकता रहेगी, हम घर से या बाहर निकल के जैसे भी हम हेल्प में लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सर्विस। वेलकम, बाय, यू आर वेलकम।